में मिथिला मैथिली को लेकर न जाने कितने भाषणबाजी की दुकान खुली है। कोई मिथिला का बेटा तो कोई मिथिला का लाल आदि से स्वयंभूत होकर राजनीतिक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गया, पर खुद के शान शौकत के अलावा मिथिला को भाषण के अलावा कुछ नहीं दिया। यही बात महिलाओं की तो बढ़ते जमाने में भी मिथिला की महिलाएं ज्यादा संकोची और घर परिवार तक मतलब रखने के लिए जानी जाती थी, खासकर मैथिली भाषी। परंतु पिछले 4 सालों में मिथिला की महिलाओं ने एक अनोखा प्रयास कर सखी बहिनपा मिथिलानी समूह के वास्तव में कुछ अलग कर दिखाने की झलक दिखा। मिथिला की विलुप्त हो रही संस्कृति पहचान को नया जीवन दे रही है। मिथिला की घरेलू महिलाओं को संस्कृति पहचान को जीवंत करने के साथ साथ अपने हुनर को एक पहचान बनाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत अच्छा लगा। और ये चौथा साल है इनका, और आज हमको बुलाया गया, इसके लिए
हमें बहुत खुशी है। हम चाहेंगे कि इसी तरह शहर में सब कोई बहने अपने आपस में खास सुखी हो के रहे और अपना आनंद उठाएं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है शहर की। अगर हम हंसते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, तो हम लोग शहर को और अपने घर को खुशी में वातावरण में परिवर्तन करेंगे और अच्छा माहौल बनाएंगे, यही हम लोग आशा करते हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम सखी बहिनपा मिथिलानी समूह के बना रहा छी, जाहिमे मुख्य अतिथि के रूप में हमरा जिला के मेयर श्रीमती जे खुद एक मिथिलानी छथि किया तो मिथिला में निवास करै छथि, श्रीमती वैजयंती खेड़िया सखी छथि आयल छथि, और जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा सखी आयल छथि। और हमर ई कार्यक्रम के उद्देश्य अछि जे अपन सबके ई कार्यक्रम के उद्देश्य अछि जे हम सब सब सखी बहिनपा मिथिलानी मिलकर एहि मिथिला के संस्कृति के पुनः प्रतिस्थापित करी, और जे किछु छूटि गेल अछि, जे किछु हमरा सबसँ छूटि रहल अछि संस्कार के मामला में या कोनो भी क्षेत्र में, हम सब समाज के छोट छोट छेद के भरी, और दहेज चाहे दहेज उन्मूलन के मामला हुए, चाहे बेटी बचाओ के मामला हुए, बेटी पढ़ाओ के मामला हुए, या बाढ़ पीड़ित के मामला हुए, सुखाड़ पीड़ित के मामला हुए, हमर सबके नज़र सब पर अछि, और हम सब व्यापक रूप में कार्य योजना लऽ कऽ चलि रहल छी। और आगू आशा और विश्वास अछि जे ई समूह 4 साल में 21,000 की संख्या पार केलक, और अगला साल तक हम सब हमर सबके टारगेट अछि जे 40,000 के संख्या पार करी। और संख्याए नहि, संख्या बल में चूँकि सब बल होइ छै, तऽ संख्या के आधार पर हम सब मिथिला के संस्कृति के पुनर्स्थापित करी। की नाम भेल? डॉक्टर ममता राय। अगस्त छै सखी बहिनपा मिथिलानी समूह, जकर शुरुआत जे छै आइके दिन मे श्रीमती आरती झा द्वारा कयल गेल छलै, ओकर 4 दिन वर्षगांठ छै। ओही के उपलक्ष्य में हमसब सब मिथिलानी तऽ इकट्ठा भेलौ हन। मिथिलानी जे मैथिल भाषा के इस्तेमाल करैत होते, जात वाइज नहि, लैंग्वेज वाइज जे मैथिल बाजैत होत, बुझैत होत, जानैत होत, तऽ हमसब एतऽ इकट्ठा भऽ कऽ वएह किछु कल्चरल प्रोग्राम ओहिके अथीमे, जेना हमर मुख्य अतिथि छथि हमर मेयर साहिबा वैजयंती खेड़िया मैडम आओर ललिता मैडम उपाध्यक्ष जे छथि से छथि, ओ सब आबिकऽ हमर सबके मनोबल बढ़ेला हन। सखी बहिनपाके आइके दिनमे ओकर स्थापना भेल छलै, जाहिमे 21,000 सँ बेसी मैथिलानी जे छथि से जुड़ चुकल छथि एहिमे, आओर आइ एकर वर्षगांठ जे छै हर जगह मनायल जा रहल यऽ, सिर्फ दरभंगे टा मे नहि, झारखण्ड, सिलीगुड़ी, बंगाल, हर जगह, कोलकाता, दिल्ली, जे अपना अपना लेवल पर ओतऽ मनायल जा रहल छै, ओही के लक्ष्मण सभा एक जगह इकट्ठा भेल। की नाम भेल? हमर नाम सुप्रिया शैलेन्द्र भेल। हम दीपा झा छी। हमर सबके मिथिलानी के ग्रुप अछि, जाहिमे हमर सबक इएह उद्देश्य अछि कि मिथिलानी आगू बढ़े, हुनका सबके जे प्रतिभा छनि, जे कला छनि हुनका सब, ओसब घरमे बैसल छथिन आओर अपन कुंठित भेल, आगू नहि बढ़ि पा रहल छथिन, हुनका परिवार सहयोग नहि, तऽ हमसब चाहै छियनि सब मिथिलानी आगू निकली आओर अपन अपन कलाके कोनो कोनो रोजगारमे, हाँ, एकटा प्लेटफॉर्म दी, आओर जेना कोनो तरहक काज होनि, हुनका जे दिक्कत होनि, कष्ट होनि, हमही सब सखी बहिनपा हुनका मिलकर मदद करियनि, आओर सब कोइ मिलकर मदद करनि, आओर उद्योग धंधा, अचार बनाबैत, पापड़ बनाबैत, तिलौरी बनाबैत, कुम्हरौरी बनाबैत, मधुबनी पेंटिंग करैत, ओकर अलावा मिथिलाक्षर सिखाबैत, जे भी चीज छै, जे मिथिला के कल्चर सब खत्म भ रहल छै ने, आओर हमर सबके धियापुता अगला जेनरेशन जे नहि बुझि पेतै ने, ओकरा लेल हमसब चाहै छी ई कला के हमसब जतेक हमर सबके कल्चर रीति रिवाज है ओकरा आगू बढ़ाबी, इएह हमर सबक उद्देश्य। जेना एहिमे तऽ आओर हमसब बहुत नीक करै छियै, जेना मैथिल लोक छथि जिनका अपन बेटी के विवाह करैके छनि, किनको अपन बेटा के विवाह करैके छनि, जे आदमी एहि प्लेटफॉर्म के तहत
दहेज नहीं लऽ कऽ जकर बिना पाई लेने और देने विवाह करै छथि, हुनका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करै छियनि कि एहिमे सँ अहाँ चुनू और करू, जकरा हमसब आगू बढ़बै छियै। एकटा फेर ओकरा सम्मानितो कयल जाइ छै कि अहाँ एतेक नीक केलहुँ। किछु जे छनि ब्यूटिशियनके काज करै छथिन तऽ ओ सिखबै छथिन, काफी डॉक्टर्स छथिन, छोट छोट प्रॉब्लम होइ छै घरमे, केन्द्र खोलने जा रहल छियै तऽ जेना छोट छोट प्रॉब्लम भेल डॉक्टरेसँ रिलेटेड ओहिमे पूछि लेला, तऽ एकटा जे एकटा कहै छै फर्स्ट एड एकटा जोर देल जा सकै छै। कानूनी सम्बन्धित छोट जानकारी जे नहि होइ छै कि आदमी एक दोसरसँ परिवारमे पूछि कऽ, एकटा परिवार जकाँ यऽ जे हमसब पूछि कऽ ओकर जे सॉर्ट आउट भऽ पबै छै, एक दोसरके हेल्पफुल कऽ कऽ हेल्प करऽके प्रयास करै छियै। जेना एखन बाढ़ि भेल हन तऽ बढ़ि चढ़ि कऽ पान, हम कहलहुँ हन जे पान नहि पानके डंटीएसँ हर जगह हमर सबके छलै सहयोग, जे पहुँच कऽ जते हमरा सबसँ बनि पड़ै छोटे छोटे राशिसँ हर जगहसँ जतऽ जतऽ छथि हमर सबके संस्थाके लोक छथि, ओ अपन अपन आर्थिक शारीरिक जे जेना सामर्थ्यसँ देलथि हन, हमसब ओकरा जे छै से एकटा प्लेटफॉर्मपर उतारि कऽ मदद लए आगू अहाँ सबके सहयोग रहतै तऽ आओर हमसब बढ़ि चढ़ि कऽ कोशिश करबै कि एकरा बढ़ायल जाए काजके।